चन्दा माँग इन्द्रमा चन्दा माँग केला सामान मैले घर बनाएँ बुझाले बस बाबा दादा तिन पुस बस मैले मेरो खाए पारे घर तोडेर जितेन्द्र हमें तो कोई दम ना बनाए लेकिन सर घर है ना देखा तो सर देखी घर खाने पीने का भी साधन इधर तो भी नाम है इधर बस नहीं है नाम के गुंडों पे यार मात्रा बस भी एक मांग के घर बनाए गम समाज से मांगे तब तक हमको क्या डाले देखे तो नहीं घर हो कितना बड़ी बिल्डिंग बनाए अपने आते पंडित दाई चालू खाके गिलावा बना के सब का क्या घर है पुरानी तो मैंने सोचा जवानी में हम घर में नहीं सोते सर सारी थक गए सोते ऐसे दस वर्ष पहले घर बनाया घर में से तो नहीं मिल गया तब तक जा रही हमको कार दे तो हमारे घर नहीं थे हमारे बेटी पुत रहे के घर नहीं गए ना हमारा दूर से जमीन भर में मालूम जा रही देख लग रहा खेत कागज भी देख सकते एक तो जमीन नहीं बुझल हिंदी बोलक में जाकर झूठ बोले तो दस्तावेज देखा भाई को दो जमीन बुझल हमारा बड़ा घर लेकिन इस बरसात में हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हमारे बेबी बच्चे कहाँ रहेंगे खाए जाओ आप हमको प्रशासन या तो मार दे नहीं तो कहे कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो हम चले जाएंगे कहीं आत्मदाह कर लेंगे बच्चे के साथ जहर खा के मर जाएंगे हम आखिर कहाँ जाए छोट छोट बच्चा शायद कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इसलिए कि इनका सवाल भी वाजिब है। अब चलिए और बड़ी मुसीबत बा पाँच दस लड़का लेके हम कहाँ जाए कहाँ रहे मम्मी के एगो न जा था न जिमी न कुछ न कोई कमा खा वाला कहाँ इंदिरा आवास मिला था ना हमने के नहीं के मिला इंदिरा आवास नहीं के मिला हमने का कुछ नहीं के मिला सुन रागड़ है विकलांग भी है हस्बैंड भी गुंगा है और ये खाली झोपड़ी बना कर रहे थे लोग रह रहे हैं वहीं पे। आज यहाँ पे जो भी बस्ती है हिंदू या मुसलमान है 80% लोग है जिसको इसके आगे कोई आधार ही नहीं है। आज मेरा ही ले लीजिए मेरी माँ कैंसर पीड़ित है हॉस्पिटलाइज है मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ है मेरे बच्चे लोग हैं अभी सब अभी कहाँ लेके जाएँ हम। यहाँ का सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ अभी नया से हम लोग बना लीजिए। आप यहाँ पे देखिए 100-200 करोड़ का मकान है प्रॉपर्टी है यहाँ पे किसके घर में मरीज है किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है किसी के घर में पैरालिसिस मरीज है बरसात का टाइम है बाढ़ एक पूरा दहतर क्षेत्र है आज अगर 2 दिन बारिश हो जाए पूरा दहाड़ आ जाएगा। आदमी के आज 2 दिन से शराब खाइले नहीं आदमी रह पानी पी के जीव जिया के मुआ दल रही लो तो ठीक रही ये एक बार बाले बच्चे मर जाए आगा पर के 1 साल के रही तो कहती से चलो हमनी के उम्र के बाटे यह तो बात भजन नहीं अपना खुद देख ली 50 साल यदि 100 साल से समझ लीजिए 120 आदमी यहाँ गुजर चुका है 120 बरस से यहाँ पर बसीना हो गया पैदा हो गया वो लोग मर गए अब ये सब बताइए का भाई